हे एवरीवन, तो आज आपके साथ में बर्गर बन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मार्केट से तो आप बर्गर बन बहुत लेते होंगे, आज मैं आपके साथ में होममेड किस तरह से इसे रेडी कर सकते हैं उसका पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। लोग आई सब देख सकते हैं, परफेक्ट हमारी बन बनी है और घर पे कोई भी चीज़ बनी हो वो तो अच्छी होती है। ये बन मैंने दो तरह से बनाना बताया है, एक मोल्ड के साथ में भी, एक विदाउट मोल्ड भी आप किस तरह से बना सकते हैं वो भी मैंने बताया है। तो बिना वीडियो के स्किप किए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो बन आप घर पे किस तरह से बना सकते हैं इस वीडियो में पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, किस तरह से इसे रेडी कर सकते हैं इसका प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है पानी, हल्का सा गर्म पानी यहाँ पे आपको यहाँ पे यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ नहीं, बस इतना कि आप उंगली से उसे टच कर सकें। उसमें 1.5 चम्मच यहाँ पर मैंने एक्टिव ड्राई ईस्ट यूज़ किया है, कोई भी ईस्ट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए जो आपके एरिया में आसानी से मिल सके। अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर देंगे और इसे एक्टिव होने के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए मैं इसे रखूँगी साइड में। तो जब तक ये एक्टिव ना हो जाए ना, इसे आपको यूज़ नहीं करना है। किस तरह से चेक करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से पहले से मैंने इसे पहले 1 घंटे पहले रख दिया था, तो इस तरह से देख सकते हैं ये एक्टिव हो गया है, ऊपर में हल्का हल्का झाग आना चालू हो गया, आप देख सकते हैं इस तरह से, आप मतलब जो हमारी ईस्ट है वो एक्टिव हो गई है। और ये जो मैंने अभी रखा था वो इस तरह से, तो ये एक्टिव नहीं हुआ है, तो इसे मैंने पहले से एक्टिव करके रखा, तो इसे मैं यूज़ करूँगी। अब यहाँ पर मैंने लिया है मैदा 1/2 किलो और इसमें मैंने ऐड किया 2 चम्मच शुगर और 1/4 TSP यहाँ पे ऐड किया है मैंने सॉल्ट। शुगर यहाँ पे आप पीसी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने जो नॉर्मल है ना वही यूज़ किया है। एक बड़े बाउल में इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब जो एक्टिव किया हुआ ईस्ट का पानी है ना, उससे हम इसको हमको डो बनाना है। अब यहाँ पर आपको पानी कितनी क्वान्टिटी में लेना है वो तो मैंने मेजर कर दिया डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आप इस हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको जिस तरह से आटा का डो लगाते हैं ना, बस आपको उसी तरह से डो लगाना है। अगर आपके पानी की क्वांटिटी आपको समझ में नहीं आ रही और आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको आटा लगाते टाइम पानी कम पड़े तो आप एक्स्ट्रा पानी का यूज़ कर सकते हैं, इससे जो आप बन बनाएंगे वो ख़राब नहीं होगा। आप जो डो लगाएंगे बस हल्का से यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट आपको लगाना है, तो कितना सॉफ्ट है आप देख सकते हैं, हल्का से ये चिपचिपा सा डो है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं करना नहीं तो आपको गूंदने में बहुत दिक्कत आएगी। बस आपको स्ट्रेच करते हुए इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाना है, स्ट्रेच करते हुए कम से कम 5 से 10 मिनट हमको गूंद लेना है। तो शुरू में आप देखेंगे इस तरह से हमारा जो डो है हल्का हल्का टूटेगा, लेकिन इसे आप अच्छे से गूंद लेंगे ना तो एकदम सॉफ्ट सा और इसे फ्लेक्सिबल सा डो बन जाएगा। और इसे बनाते हुए हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत वही आती है कि हम पानी का मेजरमेंट हम किस तरह से लें। मैंने कितना पानी यूज़ किया वो मैंने आपको बता दिया है, साथ में अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको बस हल्का सा सॉफ्ट सा डो बनाना है और इस तरह से इसको आपको अच्छे से गूंद लेना है। गूंद लेने के बाद आप देख सकते हैं डो हमारा इस तरह से रेडी हो गया है। तो पहले किस तरह से डो था हमारा आप देख सकते थे, अब इस तरह से ये रेडी हो गया है। तो बस इसी तरह से आपको भी गूंद लेना है, बहुत ज़्यादा भी मेहनत नहीं है इसे बनाने में, थोड़ा तो मेहनत कोई भी चीज़ बनाने में आपको लगती ही है। इस तरह से डो रेडी करने के बाद एक बाउल में यहाँ पे मैंने लगाया है ऑयल और अब इस डो को हम इसमें रख देंगे। रखने के बाद इसे 30 मिनट का हमको रेस्ट देना है, तो किसी फॉइल रैप से आप रैप कर दें या फिर ढक कर इसे कम से कम 1/2 घंटे के लिए हमको छोड़ देना है ताकि ये फर्मेंट हो जाए और अपने साइज़ से जस्ट डबल हो जाएगा। हल्का हल्का ऊपर भी मैंने ऑयल लगा दिया है। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया था और 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं डो हमारा जस्ट डबल हो गया है, काफ़ी अच्छी तरह से ये रेडी हो गया है। तो ऊपर मैंने हल्का हल्का मैदा डस्ट किया ताकि हाथ में ना लगे और इसे पंच करते हुए इसका सारा एयर निकाल लेंगे। अच्छे से इसे बाउल से हम निकाल लेंगे किसी प्लेटफॉर्म पर। निकालने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसमें मैदा डस्ट किया है ताकि हाथ में ना लगे। ये डो काफ़ी सॉफ्ट रहता है ये, तो आप इसे इसी तरह से हैंडल करते हुए आप इसे यूज़ करें। हल्के हल्के हाथ से एक बार मैंने और इसे स्ट्रेच कर लिया है और अपने हिसाब से आप साइज़ कट कर लें जितना बड़ा आपको बर्न चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह का स्टैंड था, तो उसमें मैंने एक बर्न ऐड किया है और एक विदाउट स्टैंड ऐड किया है। इसे 10 मिनट के लिए हम फिर से छोड़ देंगे। तो साइज़ में देख सकते हैं ये डबल हो गया है। अब इसमें हल्का हल्का ऊपर से हम दूध लगाएंगे। यहाँ पे आपको मिल्क या पानी का ही यूज़ करना है, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। लगाने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा सफ़ेद वाली जो तिल आती है ना वो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। आप इसके बिना भी बना सकते हैं पर इससे लुक वाइज अच्छा लगता है। चेक करने के लिए प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री पर मैंने इसे 20 मिनट के लिए रखा था। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारे जो बर्न है वो बेक हो गया है। आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ और इसको आपको गरम गरम ही निकाल लेना है। इसे आप कढ़ाई पे भी बना सकते हैं। कढ़ाई में बेक करने के लिए कम से कम आपको 40 से 45 मिनट के लिए रखना है।
ये देख सकते हैं आप गरम गरम ही इसमें ऊपर में यहाँ पे मैं बटर लगाऊंगी। बटर लगाने के बाद कम से कम 30 मिनट के लिए आपको रेस्ट करने के लिए इसे छोड़ देना है। 30 मिनट के बाद देख सकते हैं हमारा परफेक्ट जो बन हमारा रेडी हो गया है। नीचे से भी देख सकते हैं परफेक्ट ये बेक हुआ है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना आप ये भी देख सकते हैं। मैं आप इसे निकाल कर दिखाती हूँ आपको। ये बहुत अच्छा बनता है फ्रेंड्स, आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है। घर पे साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए आप इसे बनाते हैं तो हेल्थी भी है, बच्चों को आप इजीली दे सकते हैं इसे। तो देख सकते हैं ये बन हमारा रेडी हो गया है और इसी बन से मैं आपको एक बर्गर बनाकर भी दिखाऊंगी। इतने डो में इस साइज़ के आप 12 से 15 बन बना सकते हैं। सॉफ्ट देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बना है ये। तो चलिए बर्गर बना लेते हैं। तो इससे मैंने सिंपल सा बर्गर बनाया था, बन को यहाँ पे आपको बीच से स्लाइस कर लेना है। बन देख सकते हैं हमारा परफेक्ट बना है, तो दोनों बन को यहाँ पे मैंने बीच से स्लाइस कर लिया है और इसे हल्का सा दोनों साइड से मैंने कुक कर लिया है। बन को सेक लेने के बाद दोनों साइड से एक कटोरी में 4 चम्मच मेयोनीज, 4 चम्मच सॉस लिया है मैंने टमाटो का, उसमें मैंने बर्गर मसाला ऐड किया है और सॉस को मैंने दोनों बन में स्प्रेड कर दिया है। पत्ता गोभी का यूज़ किया है, टमाटर और गाजर का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने एक आलू टिक्की रखा है, बस हमारा बर्गर रेडी है। तो है ना कितना इजी बनाना, तो इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। चाहे तो आप इसे इसी तरह से सर्व करें या फिर इसे आप कट करके भी खा सकते हैं। आलू टिक्की और जो मेयोनीज़ और सॉस का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो मैंने तो इसे बनाकर खा लिया है, आप भी ज़रूर बना कर ट्राई करें, मुझे कॉमेंट करके बताएँ तो रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।